नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 28 अक्टूबर है और आज मंडे का दिन है। इसी के साथ गोवर्धन पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गोवर्धन का पर्व जो है बहुत खास माना जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पूजा के पीछे एक लॉजिक ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर सभी की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और 56 भोग इन्हें इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृष्ण उंगली पर वो गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा था। और भगवान श्री कृष्ण को जो भोजन कराया जाता था वो 8 पहर कराया जाता था, तो 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 56 बनता है। इसीलिए उन्हें 56 भोग यानी कि सारा खाना एक दिन में एक तरह से खिलाया जाता है, इसीलिए 56 भोग इन्हें गोवर्धन वाले दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक लॉजिक को समझें तो गोवर्धन पूजा का मतलब है एक थैंक्स गिविंग का मैसेज देना। आपसे अगर कोई भी आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप उसे थैंक्स बोलते हैं। इसी तरह से जो आपका नेचर है आसपास, चाहे वो बात करें रिवर्स की, माउंटेन्स की, ऑक्सीजन, प्लांट्स, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें आपको हर वक्त आपके लिए सपोर्ट कर रही हैं, आपकी लाइफ के लिए सपोर्ट कर रही हैं। तो गोवर्धन पर जो पूजा होती है वो इसलिए करी जाती है। एक तो देखिए सीजनल चेंज होता है, सीजन चेंज के दौरान हर तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो हर तरह की सब्ज़ी का इस्तेमाल करने का रीज़न यही है कि आपको हर तरह के प्रोटीन, हर तरह के मिनरल्स आपको हर सब्ज़ी से मिलते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल इस समय पर किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि गोवर्धन पूजा का जो दिन माना जाता है, ख़ासतौर पर इस दिन थैंक्स गिविंग का मैसेज दिया जाता है। एक प्लांट ज़रूर करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन ज़रूर करनी चाहिए, किसी मंदिर में जा कर के एक पौधा ज़रूर लगाया जाना चाहिए, अपने आस पास पौधे ज़रूर लगाए जाने चाहिए। और इस खासतौर पर नेचर की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, नेचर को धन्यवाद करना चाहिए। इसी का मतलब है गोवर्धन पूजा का। और चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे। आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या खास उपाय किए जा सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। एरीज कार्ड निकल रहे, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप लोगों के लिए आज के दिन में नई चीज़ों की प्लानिंग्स नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। मेष राशि वाले लोग आज स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ आप अपने अंदर भी चेंजेस करने का प्रयास कीजिएगा। मेष राशि वाले लोगों के लिए आज भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉरेंस की। कार्ड्स निकल रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वंड्स। तो आज के दिन में अपनी पुरानी सिचुएशन से, जिसमें कि आपको एक तरह से एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, उससे डिटैच होने का समय है। अब नई चीज़ों की शुरुआत कीजिए। टॉरेंस को आज जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा। अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना आज के दिन में ज़रूरी रहेगा। उपाय की बात की जाए तो आज भगवान श्री कृष्ण की आरती ज़रूर कीजिए संध्या काल के समय। मिथुन राशि, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज जो दिन रहेगा, अपने डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कीजिए, समझ कर लीजिए, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर मत लीजिए। आज ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिज्म से ज़रूर जुड़ें, डोनेशन ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा आज स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, डोनेशंस करेंगे, उतना ही आपके काम बनते चले जाएंगे। हालांकि सक्सेस दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपने किसी भी विरोधी के साथ आपको वाद विवाद में नहीं पड़ना है। उपाय की बात की जाए तो आज संध्या काल के समय आपको तुलसी में दीपक ज़रूर जलाना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैंसरियंस की। कर्क राशि, 8 ऑफ वंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड निकल रहा है। आज आप लोगों के लिए काम जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, लोग आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कर्क राशि वालों के लिए तनाव से मुक्ति के लिए घर में लोबान की धुनी आज संध्या काल के समय ज़रूर दें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, पेज ऑफ पेंटाकल्स एंड किंग ऑफ वंड्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए आज के दिन में थोड़ा सा अपने आप से भी खुश रहने का प्रयास कीजिए, बजाय कि लोगों से उम्मीदें रखने के। आज सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशंस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए एक चीज़ें अपग्रेड होती हुई नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स कोशिश कीजिएगा प्रॉपर्टी में आप लोग नहीं करें और बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन आज नहीं करें। उपाय की बात की जाए तो डार्क ब्लू कलर्स या फिर आप लोगों के लिए ब्लैक कलर्स को पहनना अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ सिंह राशि वालों के लिए आज अच्छा रहेगा भगवान विष्णु की पूजा करना और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। कन्या राशि, 10 ऑफ पेंटाकल्स एंड द मून कार्ड निकल रहा है। जो एक इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है आप लोगों के ऊपर, वो आपके सीनियर्स का नज़र आ रहा है। तो आज के दिन में जो वो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पे उनकी बातों को सोच समझकर आप लोग आगे इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। किसी भी काम को कल के ऊपर टालना, वो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आज सही समय पर सही काम को पूरा कीजिए। आज हो सकता है आप रीडिंग हैबिट को अपने इन्हांस करें, उसको बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं पर आपका इंटरेस्ट और तरह के विषयों में हो सकता है, एक ऐसे टेक्निकल विषयों में हो सकता है। जो बच्चे खासतौर पर टेक्निकल लाइन से, IT सेक्टर से जुड़े हैं, लोगों के लिए ग्रोथ का फेज नजर आ रहा है। उपाय की बात की जाए तो कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आज के दिन में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे। इसके अलावा आज माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प चढ़ाना अच्छा है।
तुला राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स निकल रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड फोर ऑफ वांड्स, और साथ ही साथ में आप लोगों के लिए आज का जो दिन रहेगा, एक अपने आप को सिक्योर करके चलने की ज़रूरत है, बजाय कि आप रिस्क ले रहे हैं, किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने फ्यूचर के बारे में सोच करके आने वाले समय को जितना आपके लिए, जितनी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अंदर अंदर ही आप कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। आज आप लोगों को ध्यान इस बात पर रखना है कि बहुत बड़े अमाउंट का लोन नहीं लेना है। विदेश जाने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं तो आप लोगों को आज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसिंग जो है वो आपके लिए आगे बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ में अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज उपाय ये करना है कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दीपक जरूर जलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोस की। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में नई सोच के साथ साथ आप लोगों को पुराने जो रुके हुए काम हैं उसको भी दोबारा से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के लिए आज डिलेज खत्म हो रहे हैं, नए कामों की शुरुआत हो रही है और ऑलरेडी चलते हुए कामों में एक्सपेंशन भी नज़र आ रही हैं। रिश्तों के लिहाज से सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन वाद विवाद को जितना ज़्यादा टालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखेंगे, साथ ही में आज व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। स्कॉर्पियोस के लिए उपाय रहेगा, माँ लक्ष्मी को लौंग जरूर अर्पित कीजिए आज। धनु राशि, द जजमेंट एंड फाइव ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। आज अननेसेसरी के खर्चों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, अपने अंदर का फियर जो है उसे खत्म कीजिएगा और आज के दिन में संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना है। मकर राशि, द टार एंड नाइन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। आज के दिन में फैमिली गेट टुगेदर्स में सम्मिलित हो सकते हैं, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। मकर राशि वाले लोग जो हैं व्यापारियों के लिए समय अच्छा है और मनी ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं, अपने आसपास के और ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने का समय है। आप लोगों के लिए उपाय रहेगा, आज के दिन में कोशिश करेंगे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री आज ज़रूर अर्पित करेंगे। कुंभ राशि, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। आप लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, आज आगे बढ़ना है लेकिन फियरलेसली आगे बढ़ना है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे। अपनी बातों को भी स्पष्टता से रखेंगे तो आपकी बातें समझी भी जाएंगी और लोग उसकी सराहना भी करेंगे। अपने छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखिएगा और उन्हें नज़रदोज से बचाने के लिए आज के दिन में उनके सराहने पर आप लोग कोशिश कीजिए नमक का पानी ज़रूर रखें, साथ ही साथ में मोर पंख भी ज़रूर रखें। आज संध्या काल के समय तुलसी में दीपक जलाना और शालिग्राम जी के सामने दीपक जलाना अच्छा रहेगा। मीन राशि की बात करते हैं, कार्ड्स निकल रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, व्यापारियों के लिए समय काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अगर लोन के लिए उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के दिन को अवॉइड करेंगे। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आज का दिन बेहतर है, शेयर मार्केट या किसी व्हीकल की खरीदारी के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसके अलावा रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों को आप लोग रिस्पेक्ट देने का प्रयास कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का प्रयास कीजिए। आज के दिन में भगवान विष्णु को मखाने की खीर ज़रूर अर्पित करेंगे, उनको भोग ज़रूर लगाएंगे और जितने हो सकता है लोगों में बांटने का प्रयास कीजिए, आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। गोवर्धन पूजा की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।